सत श्री अकाल जी, वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल मलेरकोटला पहुंचे, जिथे उन्होंने वालों मुहम्मद मुस्तफा उत्ते तिखे निशाने साधे गए। सबका DGP मुहम्मद मुस्तफा से वार करदिया सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने भाईचारक सांझ विच फुट पाउण वाला बयान दिता है, जिस करके पंजाब पुलिस अते इलैक्शन कमीशन नूं उन्हां ते कार्रवाई करनी चाहीदी है अते उन्हां नूं गिरफ्तार करना चाहीदा है। नाल ही उन्हां वल्लों चन्नी सरकार ते वड्डे निशाने साधे गए। उन्होंने चन्नी सरकार ते घपलेबाजी दे वड्डे आरोप लगाए अते रेत माफिए नाल भी चन्नी सरकार नूं जोड़िया। उन्होंने कहा कि अगर 2022 विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनती है तां रेत माफिए ते कार्रवाई की जाएगी, भावें वह कोई MLA होवे जां कोई मंत्री होवे, जिहड़ा भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होर की कहा सुखबीर सिंह बादल ने, आओ तुहानूं दिखाउने आ। अज मैं पूरा दिन मलेरकोटले शहर च पूरा दिन बिताया। मलेरकोटला एक इतिहासिक शहर है, पंजाब एक ऐसा सूबा है जिथे सारे धर्मां दे लोग रहिंदे आ, एंड पंजाब की ताकत ही आ कि सारे लोग भरावां मरावां वांग रहिंदे आ। श्रोमणी अकाली दल की सोच सरबत दे भले की सोच है। साहब प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे, तो जो भी श्रोमणी अकाली दल की सरकार आई भावें ओपोजिशन च रहे, साडा इक्को ही निशाना हुंदा सी कि भरावां भरावां नूं कट्ठे रखो। मैं बड़े दुख नाल कहना चाहुंदा कि कांग्रेस दे इत्थों दे जिहड़ा विधायक है उहदे घर वाले मुहम्मद मुस्तफा जो ex DGP है, उहनां दा जो बयान आ जिहड़े भरावां भरावां दे रिश्ते नूं त्रेड पाउणी, भरावां भरावां नूं लड़ाउण दा इक ऐसा खतरनाक बयान दित्ता है, इहदी सख्त तों सख्त शब्दां नाल निंदा होनी चाहीदी है। तो मैं इलैक्शन कमीशन नूं भी कहना है ते पंजाब दी पुलिस नूं भी कहना है कि केस तो रजिस्टर हो गया, इनू अरैसट भी किया जाए, क्योंकि जेडे लोग खास करके इलैक्शन के दौरान धर्म के नाते या भरावां नूं फाड़ के वोटा लेना चाहन, सही मैने ते वह देश के हित च नहीं, सूबे के हित च नहीं। सो इनू जल्दी तो जल्दी अरैसट किया जाए। दूजी गल मैं कहना चाहना है, पंजाब विच जो हालात बनी है, 5 या 6 पार्टियां हो गई, पर सारिया पार्टियां जिहड़ी हैगियां उन्होंने हुक्म सेंटर तो आ रहे हैं, दिल्ली तो आ रहे हैं। पंजाबियों की इको एक पार्टी है श्रोमणी अकाली दल जी का गठजोड़ बहुजन समाज पार्टी ना है। मैं पंजाब के कोने कोने छोके आया, मैं तकरीबन 100 हल्के तो वह कवर कर लिया है। लोगों विच कांग्रेस की सरकार तो बहुत गुस्सा है, तो आम आदमी पार्टी ना विश्वास नहीं करते, तो जो काम किए है, जो पुराने इतिहास गवाए, जो डिवेलपमेंट श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान हुई है, जो तरक्की पंजाब विसदा प्रकाश सिंह बादल के राज हुई है, लोग सारे हुण याद करते हैं। तो मैं प्रधान श्रोमणी अकाली दल, मैं 2-3 गल्लां थोड़े राही मैं वादा करना चाहना है। एक, पंजाब विच भाईचारक सांझ किसे हालत तोड़ नहीं देवांगे। जेडे लोग पंजाब की अमन शांति भंग करनगे या कोशिश करनगे, वो जेलां च होणगे, बाहर नहीं होणगे। पंजाब विच तरक्की ताई होगी जे पंजाब विच अमन शांति रहूगी। आई सोच लैके श्रोमणी अकाली दल चल रहा है, तो आई सोच दे असीं पैरां देवांगे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੋ। दूजी गल जिहड़ी करनी है, जिहड़े इन्हां दा बहुत वड्डा कब्रिस्तान दा मसला कि बहुत पिंड अजे है जिथे, खास करके शहर है जिथे कब्रिस्तान बहुत दूर है या है नहीं,
ਸੋ ਆਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਰ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? 100% ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਸਾਡੀ ਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਧਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਪੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ MLA ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLAਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਕਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੈ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਪਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ।